अच्छा जीरो लाख कितना भीगे तुम? चल आज तुम भी भीगे, चल मैं भी। नहीं नहीं बच्चे लोग नहीं, फोन रख दे, चल अपन राउंड मार के चल। अरे वाह मेरे को भी लेके जा रहे सच्ची। ये देखो ये इधर भीग रहा है, मम्मी डैडी जा रहे राउंड मारने, अब शूट करके हो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा भीगने। मम्मी अभी मस्त भीग के आया है, इतना अच्छा लगा, ठंडा ठंडा अब हम लोग खा रहे हैं फिश। मैं जस्ट ये मैंने बांगड़ा अनु ने अभी ले गया, मैंने मसाला लगा के रखी और मैं फ्राई करने जा ही रही थी तो अनु बोले चल भीग के आएंगे, बहुत जोर में बारिश आई तो अभी वही हम लोग खाएंगे गरम गरम, और उसके साथ है खिचड़ी। तो चलो अभी खाने पे मिलते हैं आपको। वेलकम बैक टू आवर चैनल अनवर सोनू व्लॉग्स। सो आप लोग कैसे हो? जैसे कि आपने देखे कल हम लोग बहुत भीग रहे थे बारिश में और आज फिर बैठे, अभी अनु शॉप बंद करके आए और कहीं जा रहे थे, बोले चलो सब चलो, तो हम लोग ऐसे उठ के आ गए बैठे ही थे। हाँ अच्छा भेल चलो जा रहे, बस बारिश हो रही है, देखो बारिश कैसी हो रही है, और वही हम लोग राइड इंजॉय कर रहे हैं बारिश में, अच्छा लग रहा है। सो अभी जाते हैं, जो भी काम है अनु निपटाएंगे, हम लोग तो कार में ही बैठेंगे। चलो मिलते हैं आगे। देखो अनु बोलते ना भेल खिलाएंगे, गरम गरम, मैंने कौन डालने मना करी थी, आ गया। देखो खा रहे हैं, उसने खाली कुरमुरा लिया है ना, और मैंने मिक्स भेल, बहुत अच्छी बनती है ये। और ये खा के हो गया, अनु तो गए हैं जो काम से आए थे वहाँ बाहर गए हैं बात करने, और ये कुरमुरा पोहा मकाई और चना वटाना, भीगा हुआ चना वटाना, उसको भून के फिर ये भेल बनती है, बहुत अच्छी लगती है। जब भी हम लोग आते हैं ये बैरमबाग तरफ तो हम लोग खाते हैं, बारिश तो हो ही रही है, बस हम लोग तो रोड ट्रिप इंजॉय कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव इंजॉय कर रहे, रोड ट्रिप नहीं। चलो कुछ काम तो है नहीं, बस घूम रहे। देखो सोनू को खाली राउंड मारने का, देखो कहाँ लेके आए, डी मार्ट सोनू को जानते सर, थोड़ा कपड़े वपड़े भी चेंज कर लेती हूं, चलना देखो इसी से हमारा चल रहा है, भर लूंगी मैं सब, थोड़ा भर लेते हैं है ना, चलो अंदर चलो। जान दे मेरा, तुम लोग के लिए ईद की तैयारी, बकरीद की है ना, बकरीद की तैयारी, थोड़ा ले लो, मैंने बोला जान दे थोड़ा सा। अरबान को क्या चाहिए? ठीक है ले ले, ये देखो हो गई ना शॉपिंग, और लेते रहे बस, हो गई अभी 8 दिन में माशाल्लाह, देखो वापस भर, फिर ट्रॉली भर के उसकी बॉटल्स भी हो गए अरमान के। ओके ओके चलो माशाल्लाह, वापस ट्रॉली भर गई है, अभी अनु बोल रहे वापस मेरा डबल खर्चा करा 8 दिन में, और अनु ले निकाल रहे हैं कार, अभी सामान रख के हम लोग निकलेंगे यहाँ से है ना। आ गए जाके, देखो वहाँ सामान रखा है और बारिश भी रुक गई है, अभी खाएंगे हम लोग खाना, आज मैंने बनाई थी भिंडी गोश्त वो खाएंगे हम लोग अभी, और भेल तो खा लिए पेट भरा हुआ है, ये अपना जूस लेके बैठ रहा है, इसको भूख नहीं है, वो बाय वन गेट वन फ्री वाला लिया है इसलिए दो ले लिया उसने। अनु बाहर बात कर रहे हैं, फिर आएंगे तो खाएंगे हम लोग खाना। चलो आगे।
कल रात में डैडी का केक कट करे मोना ने और मेरी बड़ी सिस्टर ने। देखो ये वाला बहुत अच्छा है। अनुखार कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा ये न्यू फ्लेवर लाई है मोना ने। आओ खाने आप लोग भी। आ गए अभी हम लोग मोना के यहाँ से। डैडी मोना के आते इसलिए वहीं गए थे विश करने के लिए हम लोग। और अनु ने देखो मेरे लिए क्या लिए। मैं यही खाती हूँ आम, दशहरी आम। एक दिन छोड़ के एक किलो। मेरे को रिश्वत मिल जाती। परसों भी लेके आए थे वो तो खा ली मैंने। ये खाती हूँ मैं, और कोई आम नहीं खाती। इसके लिए वो बोले ये तू अकेली खाना क्योंकि तू आपूस नहीं खाती हम लोग के साथ। अगर ऐसा थोड़ी है। वो देखो ही आज मैं भी रेड पहनी, अन्नू ने भी रेड पहने और शाहजेब ने भी आज रेड ही पहना था। तीनों रेड रेड हो गए थे हम लोग। सो बस अभी यही था, आगे देखती हूँ क्या क्या और बता सकती आपको। अन्नू गए शॉप पे और मैं सुबह से आके सो गई थी। अब भी नोमान को बोली कॉफ़ी बनाने और पी रही हूँ कॉफ़ी। ऐसा तो ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ बट अभी सो के उठी इसलिए मैं मिल्क कॉफ़ी पी रही हूँ। आओ आप लोग भी कॉफ़ी पी लें। सर दुख रहा है, सो के उठी तो कॉफ़ी तो पी ली मैंने। ये लोग कर रहे अपना होमवर्क और वो अभी जाएगा अरबी। नोमान जाएगा अरबी, थोड़ा दूर है इसके लिए खाली नोमान को भेज रहे, या नज़दीक में इसको देख लूँगी डाल दूँगी मैं। वो ऑटो से जाएगा, ऑटो से आएगा। और होमवर्क कर रही उसका मराठी का है, वही कर रहा नहीं है। और आज टीचर ने भी बुलाए थे, बोलूं डिक्टेशन वर्ड्स रॉन्ग आए उसके। हाँ। वही बुलाया उसको ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर। सिखाओ पढ़ा इसको, सिखाओ इसको पढ़ाओ, बराबर आता नहीं है वो। स्कूल ट्यूशन टीचर। अभी ये टाइम तो इन लोग का होमवर्क करने का ही है, बस कुछ है नहीं, कहीं जा रहे नहीं है। सो मैं वही सोची थोड़ा आपको घर का ही बता दूं हम लोग ये टाइम पे क्या करते हैं। मैं पहले घर का काम करता हूँ, फिर पूरा होमवर्क वो सब करता हूँ, थोड़ी देर घर का काम करता हूँ, फिर टीवी देखता हूँ, फिर अभी करने। डैडी का बर्थडे एक्चुअली ये स्कूल ट्यूशन, क्योंकि ढाबा जाएंगे तो लेट ही आएंगे, सो मॉर्निंग में उठने को प्रॉब्लम होगी। इसके लिए डैडी ने बोले वीकेंड पे ही रखो, वो अच्छा रहेगा। सो हम लोग इसलिए सैटरडे जाएंगे बर्थडे में। सैटरडे को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आज खाली मिल के आ गए डैडी से। मोना ने तो कट करी थी केक और वो बड़ी बहन ने भी कट करी, जैसे आपको बताई हम लोग ने खाए केक। इसकी मस्ती चालू है। डैडी तो कुछ बोले गिफ्ट्स मत दो, कुछ मत दो, देखते अभी क्या अरेंज हो सकता है वो करेंगे। और क्या, चल कर ले तैयारी। हम लोग फिर अपने बकीचे भी खेले गए हैं। चलो अब आगे भी बताती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं, ठीक है? ये देखो मेरा बच्चा अब भी आया अरबी से, और रिक्शा के पैसे दे रहे तो वो उससे नहीं जा रहा है, चल के जा रहा है, चल के आ रहा है इतना दूर से। और मेरे लिए कुछ मीठा आया है। कौन भेजे? यासीन भाई। यासीन ने भेजा है चमचम। क्या है? रस मलाई। क्या है वो? नहीं अच्छा, खोल खोल मालूम पड़ेगा। रस मलाई है मेरे ख्याल से। रस मलाई दे, चमचम तो सूखा आता है। ये भी सूखा ही है। नहीं ये वो है ना, देख। हाँ रस मलाई। ओहो ये नागौर से आई है मेरे को लगता, कि जब भी नागौर से कुछ आता है ना तो यासीन हम लोग को भेजता जरूर है। वहाँ का घेवर रस मलाई बहुत खाए हम लोग ने ना। हाँ। और क्या, सोन हलवा। हाँ बहुत खाए। थैंक यू यासीन। मूंग की दाल का हलवा बना दे वो। ये देखो इसके स्कूल की सुबह की तैयारी। तेरी अंडरवेयर दिख रही है, वो क्यों दिखा? अभी तो यूनिफॉर्म्स मिले नहीं है ना, तो अभी इन लोगों को सिविल ड्रेस में ही जाना है। छुपा रहा है देखो उसकी अंडरवेयर, दिख तो गई मगर क्या फायदा। चलो अभी अन्नू आएंगे तो हम लोग खाएंगे।